वेलकम बैक टू द सीजी फूड चैनल। आज हम बना रहे हैं बालूशाही। ये छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी सारे स्टेट्स में भी बनाई जाती है, कई जगहों पे इसे बदूशा भी बोला जाता है। इसके अलावा खाजा भी बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में, उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ। बालूशाही दो तरीके से बनती है, एक थोड़ी ड्राई होती है और दूसरी वाली वेट होती है। तो हम वेट वाली बना रहे हैं। इसकी शेल्फ लाइफ 5 से 6 दिन होती है और अगर आप ड्राई वाली बालूशाही बनाते हैं तो वो आप 1 महीने तक रख सकते हैं। बट टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो वेट वाली जो बालूशाही है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो काफ़ी जूसी होती है अंदर से। तो अगर आप उसको ड्राई वाला बनाना चाहते हैं इन केस, तो बस आपको जो शुगर का सिरप है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखनी पड़ेगी। मतलब थोड़ी देर आप और बॉईल करें शुगर को, तो उसके बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ड्राई वाले बालूशाही के लिए परफेक्ट हो जाएगी। इसमें मैं आपको एक बालूशाही तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा रहता है। देखिए अंदर से एकदम वेट है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग रस वाली बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1.5 कप शक्कर चाशनी बनाने के लिए, 6 चम्मच घी, दही 5 चम्मच। और जो दही यूज़ करनी है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास खट्टी दही थी इसलिए मैंने 1 चम्मच दही लिया और उसमें 4 चम्मच मैंने दूध डाल के आधे घंटे बाहर रख दिया। आधे घंटे के बाद मैंने 5 मिनट के लिए उस दही को फ्रिज में रखा और अब मैंने उसको निकाल लिया है और अब ये रेडी है। फिर यहाँ है 1 पिंच नमक, 1 पिंच इलायची पाउडर, फिर यह है बेकिंग सोडा 2 पिंच और बेकिंग पाउडर 2 पिंच। बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है। अब हमको शक्कर के अलावा जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो छान लेना है। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया, इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर। आप चाहें तो चाशनी में डालें या फिर आप इसमें भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। और इसको हमको उसी तरह मिक्स करना है जैसे मैंने ठेठरी और खुरमे में मिक्स किया था। तो ये मिक्स हो गया है। मैं इसका ऐसे मुट्ठी बना के चेक कर लूंगी और ये बन रहा है मुट्ठी इसका। अब इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा करते हुए दही ऐड करना है। याद रखिएगा इसको बिल्कुल भी गूंथना नहीं है, हमको सिर्फ मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा डो रेडी है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ हम चाशनी प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये शक्कर मैंने ले लिया और जितना शक्कर था उसका हाफ मुझे पानी लेना है। अब मैं इसको बॉईल होने दूंगी। तो पहले इसको हाई हीट में हम बॉईल आने देंगे, उसके बाद इसको स्लो मीडियम हीट में हम पकाएंगे। बालूशाही के डो को भी अभी 15 मिनट हो गया है तो हम चेक कर लेंगे। अभी हमको इसको गूंथना नहीं है, बस यहीं से इसका पिंच ले लेके हमको बालूशाही तैयार करनी है।
पहले बैच में हमको जितना बालूशाही फ्राई करना है हम सिर्फ उतना बालूशाही बनाएंगे अभी। तो हाथ में मैंने हल्का सा घी लगा लिया है। तो जिस भी साइज का आप बालूशाही बनाना चाहें बना सकते हैं। तो अभी ये जो बॉल्स हैं इसको हमको बस हल्का सा स्मूथ करना है, ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है। इस पर ये जो क्रैक्स हैं ये रहने चाहिए और इस पर एक डेंट बना देना है हमको। तो पहले बैच की मैंने सारी बालूशाही बना ली है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये चाशनी भी 5 मिनट से पक रही है तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। तो हमको इसकी एक तार की चाशनी बनानी है और इसको चेक करने के लिए एक बूंद हम ये चाशनी ले लेंगे और इसको 10 सेकंड बाद हम टच करके देखेंगे। देखिए इसकी एक तार की चाशनी बन रही है। तो अब हमारा ये चाशनी रेडी है। तो मैंने यहाँ पे बालूशाही फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है और ये हमको लो हीट पे रखना है, एकदम लो हीट पे हम रखेंगे इसको और उसके बाद हम इसमें बालूशाही डाल देंगे। ये बालूशाही अपने आप धीरे धीरे ऊपर आएगी। देखिए ये अपने आप ऊपर आ रही है। ये जैसे जैसे थोड़े फ्राई होते जाएंगे तो इनको उलट पलट लेंगे हम। हमको सारे बालूशाही अच्छे से फ्राई करने में लगभग 14-15 मिनट्स लगते हैं और वो डिपेंड करता है आपके बालूशाही के साइज के ऊपर। मीनवाइल हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे बालूशाही का। बालूशाही जब हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो हम निकाल लेंगे उसको। और दूसरा बैच डाल देंगे। यहाँ पे ये जो बालूशाही है इसको हम चाशनी में इमर्स कर देंगे। यहाँ चाशनी में बालूशाही को 15 मिनट हो गया है तो ये भी हम निकाल लेंगे।
तो ये जो बालूशाही है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं और काफ़ी जूसी है अंदर से। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से और इसे तोड़ने में मुझे ज़रा भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन राइट हैंड साइड पे फेस आइकन है मेरे चैनल का, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।